तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। काफी टाइम से मैं इनएक्टिव था क्योंकि आप लोगों के लिए काफी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट पर जो है मैं वर्क कर रहा हूँ वो वीडियो भी जल्द से जल्द आएगा। आज का वीडियो काफी स्पेशल है। सबसे पहले आज है 31st of December, तो आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। 2023 आप सभी का काफी मंगलमय हो यही आशा करता हूँ। एंड आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी के लिए गिफ्ट लिया है, वो है ये 70 माइका M300 डैश कैम। अब डैश कैम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है। आप लोगों को पता ही है कि मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो यूज़ करता हूँ, एंड डैश कैम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आजकल रोड पे जिस हिसाब से लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, तो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए ये चीज़ मुझे लेनी पड़ी। क्योंकि मेरे साथ एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें मेरी गलती भी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ जो है सहना पड़ा। तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप डैश कैम यूज़ करोगे आपकी गाड़ी में, तो आपके पास एक वीडियो प्रूफ होता है किसी भी चीज़ का, और उसको आप एज इंश्योरेंस क्लेम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो अपने गाड़ियों पर फेक चलान्स लगते हैं उनके ऊपर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही करूँगा कि ऑलवेज डू सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग पर विश्वास रखिए, अच्छे से गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए। अब काफ़ी ज़रूरी एक्सेसरी है, मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप लोग गाड़ी में एक्सेसरीज में 10-15-20-25 जितने भी आपका बजट हो उतने पैसे आप खर्च करते हो। कुछ लोग 1,00,000-2,00,000 खर्च करते हो, लेकिन 5,000 की ये एक्सेसरी आपकी लाइफ को काफी इजी बना देती है। अब ये जो है इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 4,699 रुपीज, मतलब 4,699 रुपए, 4,700 रुपए नॉर्मल प्राइस जो है मुझे पड़ा है। बेस्ट जो है डैश कैम है, इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था, काफी रिसर्च करने के बाद मैंने लिया। इसे आप नेक्स्ट डिजिट्रॉन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। साथ ही में मैंने 128 GB का जो है मेमोरी कार्ड जो है सैमसंग का इसमें इस्तेमाल किया है, ये आपको लगभग 1,000-1,200 रुपीज में मिल जाएगा। टोटल पूरा सेटअप जो आपको पड़ने वाला है लगभग 5,500-6,000 तक जाएगा, लेकिन ये 6,000 आपके लाइफ सेवर होने वाले हैं, काफी ज्यादा बचत इसमें होने वाली है। एंड किसी भी इंसिडेंट का वीडियो प्रूफ जब आपके पास होगा तो इट विल हेल्प यू इन गेट आउट ऑफ लीगल थिंग्स। तो आइए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने कुछ डिवाइसेस लाए इसको फिटिंग करने के लिए गाड़ी में। जैसे कि आपको पता है मैं स्कॉर्पियो ओन करता हूँ 2017 की S6+ वेरियंट, तो इसमें मेरे को डैश कैम जो है मैं यहाँ पर फिट करूंगा, यहाँ पर, एंड यहाँ से वायर इस पिलर में डाल के वहां से नीचे लेकर यहाँ मुझे सिगरेट पोर्ट तक वो ये वायर लाना है। तो पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के अंदर जो है आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का काफी प्रेजेंटेबल बॉक्स है, अच्छा है। इसमें सबसे पहले जो आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, ठीक है, यूजर मैनुअल इसमें इसको लगाने से पहले पढ़ लेना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मैं भी यूट्यूब पर वीडियोस देख के ही ये प्रोसीजर करने वाला हूँ। उसके नीचे आपको जो मिल जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर, ये स्टिकर इस विंडशील्ड पर लगने के बाद जो है आप कैमरा लगा सकते हैं। अगर आप निकालना चाहते हो कैमरा जल्द से दूसरी गाड़ी में यूज करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको तो पता है कि आपका भाई गाड़ी बेचने नहीं वाला, स्कॉर्पियो बेच के मतलब मेरे को और कोई वर्दी गाड़ी दूसरी लगने रही है तो मैं ये गाड़ी को कभी बेचने नहीं वाला, तो मैं इस स्टिकर का जो इस्तेमाल नहीं करने वाला। यहाँ पर जो है आपको मेन जो है कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने पैक किया है इसे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ये साइड जो है विंडशील्ड पर पेस्ट हो जाती है और ये कैमरा कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। यहाँ पर इसका बटन से, यहाँ पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट और जो इसकी वायर है उसका स्लॉट और जो है रिसेट बटन दिया गया है। कैमरा के साथ साथ आपको इसमें जो है ये 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको पता ही है कैसे दिखता है, अभी मैं निकाल के तो ठीक है चलो दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये इसमें आप लगा के इसमें USB के थ्रू कर सकते हैं। काफी लंबी जो इसमें वायर मिल जाती है, अप्रोक्स 3.5-4 मीटर के अप्रोक्स कुछ ये है, एंड ये वायर की मदद से जो है आप इस कैमरा को जो इसमें काफी लंबी वायर है। अभी स्कॉर्पियो का कैसा है ना, डैशबोर्ड एरिया कम है, यहां से यहां तक वायर घुमा के लाने में मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा हो जाएगी, तो एक्सेस वायर को आप टक इन करके जो इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ बॉक्स कॉन्टेंट्स है, एंड इसको फिटिंग करने के लिए मैंने मेरे गाड़ी में कुछ एक कार्ड वार्ड लाया है, यहाँ से जो है मैं इसको वायर को अंदर डालूंगा। स्क्रू ड्राइवर है एपिलर खोलने के लिए, एपिलर का पैनल खोलने के लिए, सीजर्स वगैरह एक्स्ट्रा चीजें लाई है। तो आइए अब इसका फिटिंग करते हैं, एंड फिटिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी में किस प्रकार से दिखता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको जो है मैंने यहाँ पर जो है फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो वायर मैं अभी ऊपर लूंगा, यहाँ से इस पिलर से डाल के खींच के यहाँ से नीचे लूंगा। तो वो प्रोसीजर मैं दिखा नहीं सकता भाई क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी में कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इफ पॉसिबल मैं शूट करता हूँ टाइम लैप्स और आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने ए पिलर का जो ये पैनल होता है ये खोल लिया है, यहाँ पर ये ए पिलर ऐसा ओपन हो गया है, एंड यहाँ से जो है ये मेन वायर जा रही है, इसी के साथ में इस कैमरा की वायर को यहाँ तक नीचे लेने वाला हूँ, यहाँ से फिर अंदर डाल के ग्लो बॉक्स के थ्रू मैं यहाँ पर उसको रीरूट कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोग बेसिक फंडा ये था कि यहाँ से वायर अंदर डाल दी है,
ठीक है, इस ऊपर से या फिर अंडर से टक इन करके यहाँ से ली ए पिलर, जैसे कि आपने देखा कि खोल के मैंने यहाँ से नीचे ले ली, यहाँ से यहाँ पे नीचे जो अपनी वायर आ गई है। थोड़ा हार्ड प्रोसीजर है पर हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजीली है। एंड अभी इसको जो है यहाँ पर वापस टक इन करके यहाँ तक मुझे लाना है, तो आइए वो काम शुरू करते हैं। तो भाई लोग फाइनली जो है प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया इंस्टॉलेशन का। स्कॉर्पियो के लिए मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा नहीं था कि ये 70mi का M300 कैसे फिट करना है। बहुत लोग मुझे बोले कि हार्ड प्रोसीजर है, भाई इतना हार्ड नहीं है। यहाँ पर जो है कैमरा फिट किया है, हार्ड प्रोसीजर क्या है बताऊँ क्या, यहाँ पर जो ये ए पिलर खोल के अंदर से वायर टक इन कर रहा वो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, ये तो ईजी है ऊपर वाला। एंड यहाँ से जो नीचे डैशबोर्ड में जाता है गाड़ी ये अपना वायर, तो वो वायर को यहाँ से निकलना थोड़ा सा हार्ड है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक वायर के जो USB पोर्ट होता आगे का उसको एक छोटी सी थ्रेड बांध दी थी और उस थ्रेड की मदद से यहाँ पे खींचा था। अभी यार ऑटोमोबाइल फील्ड से हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी हुई है अपने, तो इतना तो बेसिक नॉलेज अपने पास है कि भाई फिटिंग कैसे करना है। अभी काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें, किसी मैकेनिक के पास, किसी एक्सेसरीज फिटिंग वाले के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, आप खुद DIY घर पर कर सकते हो। यहाँ पर जब आपकी वायर निकल के आती है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने ये जो 2 रुपए वाले जिप टाइज आते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनकी मदद से जो है यहाँ पर ना स्कॉर्पियो में, जिनके पास जो स्कॉर्पियो ओनर से उनको पता है कि यहाँ पर नीचे ना एक लोहे का बार आता है, तो उस लोहे के बार को जो है मैंने इस जिप टाइज की मदद से वायर को यहाँ तक खींचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वायर को वापस एक बार मैंने टक इन किया है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है लेकिन अभी उसको मैं अच्छे से करूंगा। यहाँ से टक इन करने के बाद वायर को इस पैनल के अंदर से लेते हुए यहाँ से ली है एंड यहाँ से मैंने यहाँ तक फिटिंग की है। तो अब ये तो हुआ मेरा बेसिक फिटिंग, आगे जाकर जो है मैं इसमें थोड़ी बहुत कांड तो करूंगा ही, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ आपको तो पता ही है, तो कुछ करके यहाँ से होल वोल करके जो है वायर यहाँ तक निकालूंगा, कुछ तो कर लूंगा भाई, इतना गारंटी है, यहाँ से होल बिल करके कुछ तो कर लूंगा ताकि ये जो मेरा सेटअप है वो नीट एंड टाइडी दिखे। तो अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट कैमरा को मैंने अभी जैसे कि आपको बताया गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसका सेटअप करूंगा, इसका सेटअप जो है ऐप में जाके करना पड़ता है, ऐप मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है तो उस फोन की जो है ऐप में अभी मैं खोलूंगा, आप देख सकते हैं। तो मैडम ने बोला है मोबाइल फोन को कनेक्ट कीजिए एक्टिवेट करने के लिए, तो फटाफट से इनका ऐप डाउनलोड करके जो है करता हूँ एंड मोबाइल से कनेक्ट करके फिर आपको फाइनल दिखा देता हूँ दोस्तों। तो भाई लोग जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया है मेरा फोन कैमरा से। यहाँ पर जो आप फुटेज देखिए एक्चुअल कंडीशन है आगे सामने की एंड यहाँ पर आप फुटेज देख सकते हैं। तो इस कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स है दोस्तों, जैसे कि ये हर 3 मिनट्स में रिकॉर्ड करता रहता है, इट इज़ एडिटेबल, आप 2 मिनट्स भी रख सकते हैं एंड एवरी 3 मिनट्स इट विल रिकॉर्ड अ वीडियो। इसका अगर आप हार्ड वायरिंग किट लेते हो कंपनी से, हार्ड वायर किट भी आता है, ये तो अपना सॉफ्टवेयर किट है नॉर्मल, हार्ड वायर किट अगर लेते हो डायरेक्ट गाड़ी की ECU से यहाँ पर नीचे जो है कनेक्ट हो जाता है एंड उसकी मदद से आप पार्किंग सर्वेलेंस वगैरह भी इजीली कर सकते हैं एंड वो थोड़ा इजी प्रोसीजर है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू यूजर हो तो आप पहले थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए नॉर्मल सॉफ्टवेयर का यूज करके अंदाज दीजिए, उसके बाद ही हार्ड वायर में पैसे कुछ ज्यादा नहीं, 1000-1000 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके कैमरे के बजट में, लेकिन हार्ड वायर इज समवॉट बेटर कंपेयर टू द नॉर्मल वायर क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये ऐप में आप देख सकते हैं एल्बम्स और टेक फोटो है, आप टाइम लैप्स भी जो है मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा करके भी हम देख सकते हैं फुटेज हमारे गाड़ी का, इट विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पर जो है कैमरा ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, वीडियो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सभी चीजों को आप इसमें एडिट कर सकते हैं, काफी बड़ा ऐप है। इस ऐप में जो है सारी चीजें, सारी सेटिंग्स आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों वही नहीं, अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हो तो इसमें आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके मोमेंट्स है वो सारे जो है ट्रिप के उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो तो हो गया आपके फैमिली के लिए, लेकिन आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको तो पता है कि रोड्स डे बाय डे आर नॉट सेफर, बट ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी नासिक पुणे रूट पर बहुत चलाता हूँ मैं एंड डे बाय डे द रोड्स ठीक है, द पीपल हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड, जो लोग रास्ते पर गाड़ियाँ चला रहे हैं वो अच्छे नहीं है यार, कोई कट मार के जाता है, कोई
अपनी गलती नहीं होती उन चीज़ों में, लेकिन फिर भी सामने वाला बोल देता है कि भाई तुम्हारी गलती है। अभी अपनी गाड़ी बड़ी है तो भाई ब्लेम अपने ऊपर आ जाता है, लेकिन जब आपकी गाड़ी में डैश कैम होगा तो आपके पास प्रूफ होगा तो सामने वाले का गला आप इजीली दबा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये, अभी मैं थोड़ा रबिश साउंड करूंगा लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, सामने वाला अगर सुन ही नहीं रहा है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास फुटेज है ना तो उसका बाप भी सुनेगा, एंड यू कैन सबमिट दिस फुटेज टू योर, जो भी कुछ भी आपका फ्यूचर में कुछ भी हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया, समझो मान लो किसी ने आपकी गाड़ी को सामने से के ठोका है एंड वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी गलती है, एंड अगर आपके पास फुटेज है तो आप उसका मुंह बंद कर सकते हो जगह पे, तो वो इस डैश कैम का फायदा है। 4699 में ये काम आपका वो कर देगा, विच इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। एंड डे बाय डे एज यू नो, हम कितना भी सेफ ड्राइविंग कर ले, कितने भी सीट बेल्ट पहन ले, अभी भाई लोग कुछ उस्ताद लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि तूने सीट बेल्ट नहीं पहना है। भाई पार्किंग में खड़ा हो, बिल्डिंग की दिखा देता हूँ, ये देखो पार्किंग में खड़ा हो, ड्राइव पे निकलूंगा ना तब मैं भी सीट बेल्ट पहनूंगा, वो मुझे भी समझ में आता है। सो दैट इज द थिंग, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, आपने देखा इजीली फिट कर सकते हो अपने कार में। एंड लगभग मुझे कितना हाफ एन आवर लगा, आधे घंटे में आप जो इसे आराम से फिट करके अपना जो है आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मैं सजेस्ट करूंगा। ये नहीं कि मेरे को कोई पैसा मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा भाई, मैं भी मेरे दोस्त लोग के कार ग्रुप्स जो है, हमारे कार ओनर्स ग्रुप है, वहाँ से सब किस्से सुन के मेरे साथ भी एक दो किस्से हुए। उसके बाद ये मैंने सबसे चीपेस्ट अल्टरनेटिव जो मार्केट में मौजूद है 4699 का वो चूज़ किया है। इसको आपको खरीदना तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी कंपनी का लो, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन डैश कैम लो, ज़रूरी है। आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं या इनकी जहाँ से मैंने खरीदा, आपको अगर ये खरीदना है काफ़ी वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, सारे दोस्तों से पूछ के मैंने लिया है 70 mi का M300, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको वहाँ से परचेस कर रहे हैं आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, या फिर आपको कोई ऑफलाइन में बेटर डील मिल जाए तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो काफी बढ़िया चीज है, बॉक्स में आपको सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं, सिर्फ आपको मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग के लिए मैंने 128 GB का खरीदा क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत चलती है, इसीलिए मैंने 128 GB का मेमोरी कार्ड खरीद लिया है। तो बी सेफ एंड सेफ गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए, एंड अपने आपको सेफ रखने के लिए डैश कैम अपने गाड़ी में जरूर इस्तेमाल कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AAA Diecast ब्लॉग्स, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।